बुलेट रानी के नाम से मशहूर राज लक्ष्मी मांडा पीएम मोदी के लिए वोट मांगने निकली है। अपनी बुलेट पर उन्होंने वोट फॉर नेशन, वोट फॉर मोदी के बारे में लोगों के बीच जागरूकता पैदा की। बता दें कि अभी तक ये 65 दिनों में 21,000 किलोमीटर बुलेट से यात्रा कर चुकी हैं। वहीं वाराणसी पहुंचकर उन्होंने लोगों को खास संदेश भी दिया। हमने 65 दिन में तमिलनाडु में शुरू किए हैं। तमिलनाडु, पांडिचेरी, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, यूपी होते हुए, हरियाणा होते हुए दिल्ली में हमने समापन किया है। खास कर ये दो दिन का जो दौरा है, नरेंद्र मोदी जी का जो कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमने दिल्ली में समापन होने के बाद आए हैं, यहाँ जो शिवानंद जी राय जी है उसकी नेतृत्व में तमाम युवाओं के साथ यहाँ हमको एक बुलेट कार्यक्रम रखा गया है। तो पूरा देशवासियों को हमारा एक ही संदेश रहा और है, तो हम देश के लिए और धर्म और देश की रक्षा हम चाहते हैं, तो नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है। इसी यही मकसद के साथ पूरा देश में मैं मैसेज दिया हूँ। आज मैं वाराणसी पहुँची हूँ। वाराणसी में ही वोट फॉर नेशन, वोट फॉर मोदी का नारा देते हुए पूरा वाराणसी में शिवानंद जी का जो नेतृत्व में ये रैली का आयोजन किया गया है, तो इस रैली को पूरा वाराणसी में करके इस मैसेज को दे रहे हैं कि जैसे पूरा देश में कहीं ना हो बहुत ज़्यादा परसेंटेज से लोग बाहर आए, अपना मतदान दें और वाराणसी डिस्ट्रिक्ट को पूरा भारत में एक ऐतिहासिक डिस्ट्रिक्ट बनाना है, इसी मैसेज देते हुए हम आज वाराणसी आए हैं। मात्र शक्ति से क्या मैसेज है कि आप मात्र शक्ति से और अकेले इस तरीके से दिक्कत भी हुई होगी जी? देखिए, मैं यही बोलती हूँ कि महिला अबला नहीं है, सबला है। जो माँ सब कुछ है, माँ में सबका स्वरूप माँ है, और वो मातृशक्ति जो चाहती है, जो ठानती है, उसको कर दिखा सकती है। तो बाकी नेगेटिव चीज़ों को हम बाहर हटाते हुए हमारे अंदर जो क्षमता है, दो मतलब जो टैलेंट है, उसको बाहर निकाल के हर महिला को आगे आना चाहिए। और कोई मतलब फालतू डिप्रेशन और कोई बोलता है कि उदास चीज़ों को हटा के अपनी बल पर निर्भर होके आपको आगे बढ़ना चाहिए, यही हमको हमारा मैसेज है।